बस यार थोड़ा सा पीछे चल रहा है, थोड़ा सा 277 246 तो। अरे यार फिर कम हो गया यार, 3 सीट फिर कम हुआ है कांग्रेस का ना गाइस, चांसेस लग रहा मुझे। अभी जो हिसाब का सिस्टम हो गया मुझे भी लग रहा है ऐसा, क्योंकि कांग्रेस जीत सकता है। दीदी अपना सीट दे दी दीदी, अरे यार दीदी सीट अपना दे दी, 31 सीट दीदी अपना सीट दे दी कांग्रेस को। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आप लोग कैसे हो, मेक श्योर आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग को अच्छा रहना पड़ेगा बिकॉज आप लोग हमारे यूट्यूब के फैमिली मेंबर्स हो। सो गाइस एक बात बताओ, आज ये 4 जून, सो गाइस ये बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में कि इलेक्शन जीतेगा कौन, और इलेक्शन अभी चल रहा है और मैं देख रहा हूँ। एंड आप लोग ये जरूर बताना कि आप लोग किसको सपोर्ट करो, मुझसे पूछो तो मैं तो एकदम सीधा है भाई कांग्रेस, मैं तो चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में राज एक बार कांग्रेस करे। अब आप लोग क्या चाह रहे हो क्या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बस जैसे भी अल्लाह करके मेरी एक ही दुआ अल्लाह से कि कांग्रेस जीत जाए, राहुल गांधी जी की सरकार बने अल्लाह से यही दुआ है। पूरा हिंदुस्तान के हक में बहुत अच्छा होने वाला है। सबसे पहली बात, बीजेपी क्या किया यार हम लोग के लिए, कुछ भी नहीं। बीजेपी हमेशा GST लगाया, NRC लॉन्च करना चाहता है, फिर आप लोग का जाकर के और भी बहुत चीजें गाइस, मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊं। तो मैं यही चाहूंगा कि अभी जैसे भी करके कांग्रेस जीत जाए, कांग्रेस का इस बार हुकूमत हो, इंशाल्लाह अब की बार कांग्रेस की सरकार। और मैं अभी लाइव देख ही रहा था तो मैं सोच रहा क्यों ना लाइव देख रहा हूँ तो मैं एक वीडियो बना लूँ आप लोगों को भी दिखाऊँ। अगर कांग्रेस जीतता है तो हम लोग उसका जीत का जश्न मनाएंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, सब कुछ करेंगे। एक बात और गाइस, अगर बीजेपी हारता है और कांग्रेस जीतता है तो मैं तो चाहूंगा कि कांग्रेस ही जीते, लेकिन अगर बीजेपी हारता है तो मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूँ, अगर किसी को सबसे ज्यादा क्रेडिट जाना चाहिए तो वह ध्रुव राठी को, क्योंकि वो बंदा अकेले पूरा बीजेपी का TRP गिरा दिया, अकेले एक अकेला पूरा मीडिया पर भारी पड़ गया। तो मैं चाहूंगा कि इंडिया में इनविटेशन मिलना चाहिए आने के लिए अगर कांग्रेस की हुकूमत होती है। अब देखो क्या होता है क्या नहीं, तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहना, चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, भाई का चैनल है, बहुत सारा प्यार है आप लोग से। घर में आने का मतलब गैस, ये मेरा जिम्मेदारी है, इसमें पानी डालना ही होगा मुझे, एक दिन दो दिन करने से नहीं, समझ रहे हो ना। तो ये आप लोग देख सकते हो गैस, अभी कुछ ऐसा रिजल्ट है, 293 बीजेपी है और 233 इंडिया है, मतलब हम लोग का कांग्रेस है, 70 सीट जो है अदर्स पार्टी है, वो पार्टी मुझे उसका नाम नहीं पता है। सो गाइस बीजेपी का फिर एक सीट कम हुआ, 271 बीजेपी हुआ, 250 कांग्रेस और 226 सिर्फ अदर्स पार्टी हुआ, वो पार्टी बस कांग्रेस को अपना सीट दे दो, TMC गठबंधन कर ले बस और कुछ नहीं। अगर हम लोग स्टेट का CM गठबंधन कर लेती है कांग्रेस से तो बीजेपी को हारने से कोई नहीं रोक सकता, सुन लो गाइस, इसलिए 30 सीट ममता बनर्जी लाई है। बस यार थोड़ा सा पीछे चल रहा है, थोड़ा सा 277 246 तो। अरे यार फिर कम हो गया यार, जो हिसाब का सिस्टम हो गया मुझे भी लग रहा है ऐसा, क्योंकि कांग्रेस जीत सकता है। नाइन्टी हो गया बीजेपी और 233 फिर से हो गया कांग्रेस। अरे यार सीट बढ़ने का जगह सीट घट रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। फिर हाल खराब है, 298 बीजेपी है, 225 कांग्रेस है और 20 सीट कोई और पार्टी है। क्या होगा यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे सीट PM मोदी को मिल रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या होगा यार, अभी भी 298 सीट उसका क्या कहते वोट देता, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। 225 कांग्रेस यार, कांग्रेस देखो हम लोग का दीदी का 31 सीट है, तो अगर दीदी चाहे ना अगर अपना 31 सीट इसको दे दे कांग्रेस को और 20 सीट इसको, तो फाइट होगा गेम में। अब देखो क्या हो रहा है, ए दीदी अपना सीट दे दी दीदी, अरे यार दीदी सीट अपना दे दी, 31 सीट दीदी अपना सीट दे दी कांग्रेस को, अभी आया था यहाँ पे, अरे यार कहाँ गया। जब TMC अपना सीट दे दिया और भी बहुत सा पार्टी को अपना सीट दिया, तो राहुल गांधी में सीट जोड़ा रहा क्यों नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। NDA 285 और इंडियन पार्टी 243 मतलब कांग्रेस और जो अदर्स पार्टी है ना 15 सीट है। जैसे भी ना गाइस मैं एक ही चीज चाह रहा हूँ कि कांग्रेस जीत गया बस, कांग्रेस अगर जीत गया ना यार तो बहुत अच्छा होगा यार, बहुत अच्छा। अगर कांग्रेस हार गया ना तो बहुत खराबी लिखा हुआ, सुन लो आप लोग, क्या पता GST निकाला और भी बहुत कुछ आगे चल के निकाले, कोई गारंटी है बीजेपी का। होगा इस पब्लिक की खुशी,
राहुल गांधी अब की बार कांग्रेस की सरकार कहाँ होगा यार, कुछ समझ में नहीं आ। अभी कांग्रेस का दिखा रहा है 240 250 सीट और कभी 225 दिखा दे रहा है, बीजेपी 98 दिखा दे रहा है। बताओ कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा यार। कुछ भी हो जाए बीजेपी जीते ना, मेरा बोलने का मतलब ये है अगर बीजेपी जीत गया ना यार बहुत खराबी रखा हो यार, बहुत खराबी। लोग समझते कि नहीं है यार, ये पार्टी को हटाना, अंदर से खत्म कर देना ये पार्टी को। तो भी प्राइम मिनिस्टर बने बहुत अच्छे एग्जाम में, तो राहुल गांधी डिजर्व करते हैं गाइस। सो गाइस एक बहुत गुड न्यूज है और ये गुड न्यूज ये है, ये आप लोग देख सकते हो गाइस, कांग्रेस का जीतने को उम्मीद लग रहा 253 कांग्रेस या 285 एनडी। देख रहे हो मैं तो दिल से चाह रहा हूँ यार कि कांग्रेस जीत जाए। देख रहे हो 285 एनडीए बीजेपी और 253 इंडिया पार्टी, हम लोग का कांग्रेस। अब हम लोग का कांग्रेस को जैसे भी जिताना है हम लोग ने। क्या लगता है गाइस क्या होगा? मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस जीत जाएगा, जो हिसाब का भी सिस्टम चल रहा है। अगर जीत गया ना गाइस कांग्रेस, मजाक नहीं, मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। कि कांग्रेस का मतलब सीट कम होते जा रहा है यार, ज्यादा बढ़ने का जगह में कांग्रेस का सीट कम होते जा रहा है। हाँ कांग्रेस का 240 सीट था, अभी 227 सीट। हार गया गाइस, जहाँ तक जो हिसाब का सिस्टम चल रहा है, जो मैं देखा हो कि कांग्रेस हार गया, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा हो गया 70% लगभग कि कांग्रेस हार गया। इतना सपोर्ट करने के बाद, इतना दिल से दुआ करने के बाद, इतना चाहने के बाद भी कांग्रेस हार गया। क्या बोलूँ यार, समझ में नहीं आ रहा, माइंड हैंग हो गया मेरा। सुबह से उठ के कांग्रेस को जिता रहा कि कांग्रेस जीतेगा, लेकिन एक बैग ऐसा पलटवार हुआ है और कुछ भी बोलने को नहीं है। कंफर्म नहीं कि कांग्रेस हार गया, बट रियलिटी ये कि 70% एकदम कंफर्म है कि बीजेपी जीत गया। अब देखो अगर बीजेपी हारता है तो कुछ चमत्कार हो जाए। एक नीतीश, क्या तो नाम उस पार्टी का यार, जिसका हेड नीतीश बोल के कोई है, वो तो पूरा अपना वोट बीजेपी में डाल दिया, वहीं से तो उल्टा हार गया कांग्रेस। किसको क्या बोलोगे यार, बहुत ऐसा पार्टी जो अंदर से बीजेपी करता है, शायद इसीलिए बहुत कोई अपना वोट कांग्रेस में नहीं दिया। इतना फैक्ट, इतना कोशिश, इतना दुआ चाहने के बाद भी अगर कांग्रेस हार गया, समझो हम लोग का देश एकदम डिक्टेटर की ओर चला जाएगा। छोड़ो गाइस, हटाओ वीडियो, इन कर रहा हूँ आज, ज़्यादा बात करने का मन नहीं है, बाय।